कृपा करहो गुर मिलहो हर जियो पावो मोख द्वार। गुरबाणी कथा चमत्कार चैनल सब्सक्राइब कर लियो ते प्यारियो वीडियो नू शेयर जरूर करियो, लाइक कमेंट करके अपना प्यार जड़ा है वो टीम नू बख्शिश करियो। अज आपां समझांगे गुरबाणी दे पढ़न दा की फल है, पाठ करन दा कोई फायदा नहीं जो ये काम आप नहीं करते, हुण किहड़ा ओ ध्यान विच रखियो। आओ अज दी वीडियो विच आपां सांझा करिए। पातशाह जी कृपा करन फतेह बुलाओ जी, आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कई दफा अपने मन विच भी सवाल बन जाते ने, आपां कहने भी गुरबाणी पढ़न दा की फायदा है जी, पाठ करन दा की फायदा है जेकर समझ ही नहीं पैंदी, जेकर सानू गुरु ने कुछ देना ही नहीं तो बाणी पढ़न का की फायदा। इतों तक भी अज सवाल आ जाते हैं, इतों तक भी अज साड़ी मानसिकता जी डाउन हो जाती है, पर मैं इसे दे बाबत कृपा करनी है। इस तरह एक दफा गुरु हर राय साहब नू किसे सिखा ने सवाल कर दिता, पातशाह जी गुरबाणी तो पढ़ते हाँ, गुरबाणी ध्याने भी बड़ा हाँ, पर पातशाह जी पता नहीं मन नहीं लगता, इदा लगता है भी शायद सानू फल मिल नहीं रहा, तो पाठ करन दा की फायदा है। देखो सवाल कर दिता, पाठ करें हम नित गुरबानी, इतिहास दे बोलने मैं आप जी नाल सांझे कर दिया। अर्थ परमार्थ किछ ना जानी, मार्ग गुर शब्द बताव हैं, सो हम ते नहीं जात कमाव हैं। पातशाह जी पाठ ते करदे आ, पर यह समझ नहीं आती कि पाठ का जदों फल नहीं मिलता या फिर पाठ के मन नहीं लगता तो पाठ करन दा फायदा है जा नहीं। मेरे पातशाह जी गुरबाणी तो आप जी पढ़ते हो, आप जी का फुरमान है, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी सच्चे पातशाह दे विच आप जी का फुरमान है। जैसी मैं आवै खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो, हे पातशाह जी सानू समझाओ। सानू अज तक यह समझ नहीं आई कि पातशाह जी की करना चाहिए, पर यह मन में दुविधा बड़ी वड्डी बनी हुई है, अपने भी दुविधा होंदी है। आपां कहिंदे गुरबाणी पढ़न दा की फायदा, गुरबाणी दे जाप करन दा की फायदा, गुरबाणी पढ़न दा फल किवें मिलेगा, जां गुरबाणी पढ़न दा फल अज तक सानू नहीं मिलिया। प्यारिओ ये अनेकां प्रकार दे सवाल साडे मन विच अटके पए हुंदे ने, पर देखो इत्थे बेनती मैं बड़े प्यार नाल सहज नाल ठरमे नाल करनी है, बड़े प्यार नाल अदब नाल समझियो। कृपा करो गुर मिलहो हर जियो पावो मोख द्वार। हे पातशाह जी कृपा करो, मेल लियो हर जियो, हे परमात्मा जी मोख दी प्राप्ति करवा दियो। मोख दा द्वारा दस दियो किदां खुलेगा। जदों इसे तरह सवाल आए, मेरे पातशाह जी जंगल दे विच जा रहे ने, जांदे जांदे सवाल कीता सी ना गुरु हर राय पातशाह नूं, जांदे जांदे सवाल कीता मेरे पातशाह ने एक मिट्टी दा भांडा जिहनूं ठीकर कह दिंदे आ पिंडां दे विच, उहनूं चाटी भी कह दिंदे ने, कहिंदे ने उस प्रकार जांदे जांदे मेरे पातशाह ने एक ठोकर मारी ते एक जिहड़ा मिट्टी दा ओह बर्तन सी ओह टुट गया, ओह खिलर गया। हुण ठीकरां पईआं ने, उत्तों लिशकोर पै रही है सूरज दीआं किरणां दे नाल, ओह ठीकरां जिहड़ीआं ने बड़ीआं चमक दे रहीआं ने, चमक दे रहीआं ने। तो सिख पुछदे ने पातशाह यह की खेल है, सानू भी दसना करो। तो पातशाह कहिंदे ने हे सिखो हुण ध्यान नाल सुनियो, इस मिट्टी दे भांडे दे विच पता नहीं किन्नी कु देर दुध रिड़किया गया होना, तो उस तंदियाई ने अपनी छाप जिहड़ी सी इस मिट्टी दे भांडे उपर छड़ दित्ती। एक दो बारी नहीं, कहिंदे पता नहीं किन्ने कु लमेरे समय तो इस विच ओह घी जिहड़ा है पाया जा रहा सी, दुध रिड़किया जा रहा सी, ते ओह जिहड़े तंदियाई वाले पदार्थ सन इस बर्तन ने पता नहीं किन्ने कु अरसे तो उन्हां दी जिहड़ी स्पर्शिंग कीती है। देखो अज ओह जिहड़ी स्पर्शिंग है ओह इहदे विच समा गई है, ते ओह अज तंदियाई जिहड़ी है ओह सामणे साडे प्रगट हो के वापरी है। वह तंदियाई ये विचों नहीं निकली, वह तंदियाई ये विच ही पई है, समझ लियो। इतों रही चिंगर चिकनता ठीकर माही, जो पानी रह बन माही,
ये इतिहास के बोल ने प्यारे। इस तरह लम्मा समा उस घ्यो ने वासा किया, अपनी छाप जिहड़ी सी उस ठीकर विच उस मिट्टी के बर्तन विच मिट्टी विच अपनी छाप जिहड़ी सी घ्यो ने छड्ड दित्ती, घ्यो ने अपनी छाप नहीं उत्थों चुकी। सिखा तू भी इदां कर, गुरबाणी का पाठ करना कदे ना छड्डी। गुरबाणी पढ़ सुन विचार, परवाह ना करी कि तैनूं फल मिलना है जां ना मिलना है। गुरु प्यारिओ आपां वी तकरीबन गुरबाणी का पल्ला जिहड़ा है वह कदे ना छड्डीए, गुरबाणी का लड़ कदे ना छड्डीए। मैं कहिंदा वह मूर्ख बंदे ने जिहड़े गुरबाणी तो दूर हो जांदे ने, पर आपां कहिंदे आ गुरबाणी नूं सदा पढ़ो, गुरबाणी दे अर्थ तुहानूं समझ आउण ना आउण गुरबाणी दा लड़ कदे ना छड्डिओ। इसे तरह जिस तरह उस भांडे विच तंदियाई ने अपनी छाप छड्ड दित्ती, हे सिखा जे तू भी गुरबाणी पढ़दा जाएगा, गुरबाणी नाल जुड़िया रहेगा, गुरबाणी दी छाप एक ना एक दिन तेरे मन रूपी हिरदे रूप भांडे विच जरूर टिक जानी है। एक गुरबाणी की चिकनताई तेरे मन रूप भांडे दे विच जरूर अपनी छाप छड्डेगी। इस तरह कदे भी गुरु तो दूर ना होई, हमेशा गुरु नाल जुड़िया रही ते गुरु दे उपर भरोसा बना के रखी। गुरबाणी जदों पढ़ेगा, कृपा करे जिस प्राणपत दाता सोई संत गुण गावै। पातशाह ने कृपा करनी है तेरे ते, प्राणपति ओ दाते ने ऐसी कृपा कर देनी है सोई संत गुण गावै। तेरे अंदर सत संतोख ते दया धर्म वर्गे जिहड़े गुण ने ओ अपने आप टिक जाणगे। तेरे अंदर पातशाह ने कृपा कर देनी है, वह गुणा नूं तेरे अंदर इन्ना को गहरी तरतीब नाल टिका देना है प्यारिया। इस करके जदों तू गुरबाणी पढ़े ये मत समझी भी मैं पढ़ रहा, ये सदा चेते रखी कि मैं नहीं, इस मुख नाल ओ परमात्मा मेतों गुरबाणी पढ़ाउंदा पिया है। इस मुख नाल मेतों गुरबाणी की सेवा पढ़न की जिहड़ी है वह परमात्मा आप लैंदा पिया है। प्रभ कृपा ते नाम ते आईऐ, उहदी कृपा दे नाल ही मैं नाम नूं ध्याउंदा पिया। मेरे विच इन्नी समर्था नहीं है, मेरे विच इन्नी ताकत नहीं है, वह कृपा गुरु ने कीती हुई है। अज बड़े कह देंदे ने भी ये तोता रटना है, गुरबाणी पढ़न का की फायदा, गुरबाणी के उपर भरोसा करे का की फायदा। मैं कहना ये गल्लां सिर्फ ते सिर्फ गुरु नालों टुटन वालियां ने, उन्हां वल ध्यान नहीं देना। तोता रटन करन ये वो कुछ भी गल्लां ने उन्हां वल ध्यान दे तो बगैर। बापू कहिंदे तू कृपा तेरे ते हो जानी है, तू अपना जिहड़ा जाप है ना वह निरंतर जारी रख। गुर कृपा ते नाम वखाण अनेक प्रमाण ने गुरबाणी में, संत कृपा ते जपिए नाम, साध कृपा ते जूका हरे। किन्ने कु प्रमाण मैं आप जी नाल सांझे करदे आ प्यारिओ। गुरबाणी दा लड़ कदी ना छड्डिओ, इसे तरह परमात्मा ने कृपा करनी है। परमात्मा कहिंदा फल दी इच्छा ना करी, फल तेनों आप मिलूगा, तू अपनी जबान तो जपी जाई, जपी जाई अपनी जबान तो, तेरे ते ऐसी कृपा होनी है प्यारिया। तेनों फल की इच्छा करने की लोड़ नहीं है, फल तेनों रब ने आप देना है। सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी, तू प्रीतम ठाकुर अत भारी। ये परमात्मा जी तू कृपा करनी है, गुरु की सिफत सुन के गुरु साहबान के दर्शनों का मन अंदर चाह पैदा होना। जिस तरह मन सुख शाहूकार पासों सुन के गुरु नानक देव जी के दर्शनों का चाह शिव नाम राजे के मन अंदर होया सी, इस तरह तेरे मन के अंदर भी वह चाह पैदा हो जाए। जा सिखा तेरी जिम्मेवारी गुरु ओट लैंदा है, फिक्र ना करी, इस तरह करते रहो। गुरबाणी का लड़ कदी ना छड्डिओ, गुरबाणी नाल जुड़े रहो, गुरबाणी दे नाल अपना प्यार स्नेह बना के रखियो। गुरु पातशाह ने ऐसी छाप दिल दे विच छड्ड देनी है, इस हिरदे रूप भांडे विच छड्ड देनी है कि एक ना एक दिन इस भांडे उपर इन्नी को कृपा परमात्मा ने करनी है कि इहदे उपर नाम रूपी सत संतोख दया धर्म वर्गे सत गुण जिहड़े ने अंदर टिका देने ने, आप ही सफला है। पातशाह जी कृपा करन, मेहर करन। गुरबाणी कथा चमत्कार चैनल सबसक्राइब कर लियो, वीडियो नू शेयर जरूर करियो, लाइक कमेंट करके अपना प्यार जिहड़ा है वह बख्शिश करियो। बेनतियां करो परवान, बुलाओ फतेह जी, आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।